ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑन न्यूक्लियस ऑर्गेनेली विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. सो डिस्कवरी डच माइक्रोस्कोपिस्ट एंटोन वॉन लियोनहग सी जिन्हें आरबीसीज ऑफ फिशिज से इन्हू डिस्कवर किया सी एंड इन्हू डिस्क्राइब किया सी रॉबर्ट ब्राउन ने. नाउ फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दे हुंदे ने न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स लाइक फ्लैटेंड, राउंडेड, ओवल, बीन शेप्ड, horseshoe shaped, elongated, then monoform, branched hunde ne, two lobed hunde ne, three lobed, many lobed and lens shaped. So different shapes they base they theek on the basis of shape there are number of types of nucleus. Now ultrastructure of nucleus discuss karte hain. So ye diagram see theek hai. So if you don't label that diagram jo main last day thonu pages send kite si, now label that diagram. Okay, so this is a karyolymph jede vich filled hai matrix. This is a ribosomes jo outer membrane nal attached hai ke ne nuclear pore membrane de vich jo spaces free ne that is nuclear pore, then nucleolus, then nuclear chromosomes ne hage ne constrictions hoya yani center de vich ohna diyan, then heterochromatin hai theek hai word bhi assi discuss karange. So this is a lamina. Okay, नाउ वट इज सब तो पहला असं न्यूक्लियर इनवॉल्व बारे गल करते हैं जिन्होंने असं कैरियोथीका भी बोलते हैं. कैरियो वर्ड असं इस करके यूज कर रहे हैं, कैरियो मीनस न्यूक्लियस ठीक है, ठीका मीनस लेयर. सो इन न्यूक्लियर वर्ड में कैरियोथीका भी बोलते हैं. स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट मैमब्रेन आउटर एंड इनर. सो फ्लूड फील्ड होंगे इन्हों इंटर इन बिटवीन दैट इज इंटर मैमब्रेन पैरी न्यूक्लियर यू कैन से दैट स्पेस इन बिटवीन. सो द आउटर मैमब्रेन बियर्स राइबोसोम्स होंगे ने ठीक है, ऑन ए साइटोप्लाज्मिक सरफेस. सो इस करके रफली जो अपीयरेंस देंगे. सो द न्यूक्लियर एनवेलप में एक्सपैंड रैपिडली व्हेन अ डोरमेंट सेल रिज्यूम एक्टिविटी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग आरएनए और डीएनए. सो जो ये उदो एक्सपैंड बड़ी जल्दी करते हैं जो डोरमेंट स्टेज च होंगे ने. डोरमेंट स्टेट का मतलब है वा जो ये ग्रोथ नहीं करते, डिवाइड नहीं करते अगो ठीक है, दैन ये की बना शुरू कर देंगे ने आरएनए एंड डीएनए. द इनर मैमरी इज फ्री ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स नहीं होंगे दैट्स वाई स्मूथी जस्ट सरफेस होंगे है. डेंस लेयर होंगी है न्यूक्लियर लैमिना क्लोज्ड एसोसिएटेड विद इनर सरफेस. इनर सरफेस के लागे जो न्यूक्लियर लैमिना. सो न्यूक्लियर लैमिना इज अ नैटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबरस. एक प्रोटीन फाइबरस का नैटवर्क होंगे जो कि सपोर्ट देता है इनर मैमरेन. इट कनैक्ट क्रोमेटीन टू इनर मैमरेन. क्रोमेटीन इनर मैमरेन के नाल कनैक्ट करता है. सो क्रोमेटीन इज अ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम एंड कीप्स मोस्ट ऑफ द क्रोमोजोम इन द पैरीफेरी ऑफ द न्यूक्लियस. क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के पैरीफेरी ते रखता है. सो न्यूक्लियर एनवेलप इज सैमी परमीएबल होंदा है एंड इज परफोरेटेड बाय मिन्यूट एंड सर्कुलर न्यूक्लियर पोर्स होंगे ने. मैं थोड़ा डायग्राम डिस्कस की है. सो ईच पोर इज फिटेड विद द कंपलैक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड पोर कंपलैक्स. सो हर एक दे विच कहिंदे कि लाइक प्रोटीन जो हैगा वा दैट इज फिट हुंदा है. सो दैट प्रोटीन इज पोर कंपलैक्स बनाउंदा है. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ पोर कंपलैक्स. सो द पोर कंपलैक्स प्रोजेक्ट इन टू बोथ साइटोप्लाजम न्यूक्लियोप्लाजम. दोनों च मिलूगा न्यूक्लियोप्लाजम मतलब जो साइटोप्लाजम न्यूक्लियस च प्रेजेंट दैट इज न्यूक्लियोप्लाजम एंड साइटोप्लाजम जो सैल दे विच आ. सो इट कंसिस्ट ऑफ टू रिंग्स. दो रिंग्स होंदिया ने. द एनुलाई ईच हैविंग एट सब यूनिट्स. सो दो रिंग्स होंदिया, दो रिंग्स बनिया होंदा है ठीक है, जड़ा पोर कंपलैक्स होंदा है ठीक है. हर विच एट सब यूनिट्स होंदे ने एंड स्पोक्स होंदिया ने इनटू पोर. सो नैक्सट इज द स्पोक्स इन क्लोज अ चैनल. सो दो साडे कोल की हैगे रिंग्स जिन्हां दे विच एट सब यूनिट्स होंदे एनुलाई होंदे ने एंड इन्हां दे सेंटर च चैनल होंदा है ठीक है, जो इन्हां स्पोक्स नूं जोड़दा है आपस च. द न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग सेल डिवीजन. सो जिहड़ा इह न्यूक्लियर एनवेलप आ जदों सेल डिवीजन हुंदी है न्यूक्लियर एनवेलप की हो जाता है डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है जदों सेल डिवीजन स्टार्ट हुंदी आ. फंक्शन की न्यूक्लियर एनवेलप आ तां सेफ मेनटेन करके रखता है. साइटोप्लाजम कंटेंट नूं भी सैल दे अंदर रखता है, न्यूक्लियस अंदर रखता है. इट रेगुलर द फ्लो ऑफ मटीरियल. सैमी परमीएबल होने करके मटीरियल फ्लो होने दिता है. पोर्स है, राइबोसोमल है, सब यूनिट्स है. सो न्यूक्लियर एनवेलप प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ जेंटी मटीरियल. जेंटी मटीरियल अपने अंदर स्टेबल रखता है, प्रोटेक्ट रखता है रेस्पिरेटरी ब्रेकडाउन तो. दैन आ गया न्यूक्लियर सैप.
सैप मतलब कोई भी फ्लूइड, सो न्यूक्लियोप्लाज्म, और जिन्हों से कैरियल लिम्फ भी बोल सकते हैं। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ क्लियर नॉन स्टेनिंग फ्लूइड मटीरियल आ न्यूक्लियस च। इट कंटेन्स, नॉन स्टेनिंग मतलब ये कोई स्टेन नहीं लैंदा, ये कोई कलर्ड नहीं लैंदा। रॉ मटीरियल की ये होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ने, इनजाइम डीएनए आरएनए पोलीमरेज़ जो डीएनए आरएनए बनाने हेल्प करते हैं, रिपेयर करने हेल्प करते हैं, मैटल आयन्स होंगे ने। इट ऑलसो कंटेन हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सो हिस्टोन प्रोटीन दे करके ही जेड़ा डीएनए हैगा वो एक छोटे जे सैल दे विच पैक्ड पिया होया है, जो पैकिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, यू कैन से न्यूक्लियस स्ट्रैंड नू पैकिंग करन च हेल्प करता है। कंबीनेशन हैगी आ डीएनए एडेनिन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम सब यूनिट्स। फंक्शन की आ सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए राइबोसोमल, सपोर्ट क्रोमेटिन मटीरियल न्यूक्लियर, प्रोवाइड टर्जिडिटी टू न्यूक्लियस। दैन न्यूक्लियर मैट्रिक्स की होंगे, न्यूक्लियर मैट्रिक्स अ नेटवर्क ऑफ फाइन क्रिस क्रॉसिंग प्रोटीन कंटेनिंग फिब्रल्स विच आर जॉइंट टू न्यूक्लियर एनवलप बाय देयर एंड्स। सो ये न्यूक्लियर मैट्रिक्स होंगे है जो जिदे विच प्रोटीन होंगे क्रिस क्रॉस बने होंगे ने। फिब्रल्स मतलब फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे है, सो इट फॉर्म सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर स्केलेटन द एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। सो शेप प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस नू, एंड क्रोमेटिन फाइबर्स आर एंकर्ड टू न्यूक्लियर मैट्रिक्स बनाता है। क्रोमेटिन फाइबर्स तो ही न्यूक्लियर मैट्रिक्स बनता है। द मशीनरी ऑफ वेरियस न्यूक्लियर एक्टिविटीज सच एज रेप्लीकेशन होनी, ट्रांसक्रिप्शन होनी, वह भी इतने ही इन्हों के थ्रू ही होंगी है। नेक्स्ट आ गया क्रोमेटिन।